Is that okay? The visible difference between telescope and microscope is that microscope में I repeat कि जो आपकी object पास में पड़ी होगी क्योंकि वो nearby object है और हमारा objective smaller होगा. But telescope ने क्योंकि rays को infinity से collect करना होता है, object आपकी distant है, तो एक तो इसका objective lens bigger होगा, larger diameter, larger aperture का होगा, larger focal length का होगा. And second thing is रेज आपकी इन्फिनिटी से आएंगी, आपने ऑब्जेक्ट को पड़ी हुई पास में नहीं शो करना. सो दीज टू विजिबल थिंग्स विल मेक योर रे डायग्राम करेक्ट. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अगेन फर्स्ट केस हमारा यही है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट डी. तो पहला केस वही कर रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. सो लेट्स डू दैट. ध्यान से देखो रे डायग्राम इसका. फर्स्ट केस, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी. तो ये बिगर बनाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव इज बिगर. दोनों लेंस कॉन्वेक्स ही है. ठीक है, अब रेज आएंगी इंफिनिटी से, पैरेलल बीम बनाते हैं. आपकी ऑब्जेक्ट कहां पे? दूर है. सो रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, पहला विजिबल पॉइंट. अब इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे. इमेज कहां पे बनेगी? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्मड एट फोकस. ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है आपको? तो आपका ये जो हो गया एफ ओ, दिस इज ओ, ऑप्टिकल सेंटर. तो ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है. वेर एवर इन वॉट एवर रे डायग्राम यू आर ड्रॉइंग, योर फोकस मस्ट बी क्लियर. दोनों लेंसेज के फोकस क्लियर होने चाहिए. नाउ वी विल कीप, क्योंकि फाइनल इमेज हमें डी पे बननी चाहिए, तो वी विल कीप द सेकेंड लेंस आई पीस इन सच अ वे दैट दिस ऑब्जेक्ट, दिस इमेज ऑफ फर्स्ट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड. अगेन डबल मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस. पहले एक मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, दूसरा फिर दोबारा से करता है. यही हमारा सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रिंसिपल है. ठीक है, नाउ वी विल कीप द सेकेंड लेंस इन सच अ वे दैट दिस ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इट्स एफ एंड ओ. उसके एफ और ओ में लाई करेगा तो उधर वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला आपका रे डायग्राम बन जाएगा, वो वाला पार्ट वही रहेगा. सो लेट अस कीप आई पीस हियर लाइंग बिटवीन इट्स फोकस. ये तो इसका फोकस है ना, यहां फोकस बना देते हैं एफ ई, आई पीस का फोकस. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज लाइंग बिटवीन इट्स एफ एंड ओ. देख लो ध्यान से एक बारी. सो नाउ वी विल ड्रॉ द सेम थिंग हियर. तो यहां पे हमारी फाइनल इमेज बन गई. सो फाइनल इमेज विल बी फॉर्मड हियर एट डी. डी पे फाइनल इमेज बन गई. फाइनल इमेज विल बी फॉर्मड एट डी. देख लीजिए रे डायग्राम. एंड दिस इज लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूब. ये इसका आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई. ये इंफिनिटी पे है, ये इसका इमेज डिस्टेंस है, ये सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये उसका इमेज डिस्टेंस. हमने सारे डिस्टेंसेस भी मार्क कर लिए हैं, फोकस भी मार्क कर दिए हैं, ऑप्टिकल सेंटर्स भी मार्क कर दिए हैं. नाउ आवर रे डायग्राम इज कंप्लीट. हाँ जी, रे डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछ लो. नाउ मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट. अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि एट द आई व्हेन बोथ आर एट डी, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे. हम ये कह ही नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट हमारी डी पे हम शिफ्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमारी इंफिनिटी पे है.
थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन में डिफरेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों की मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन ये थी, रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट डी। पर यहाँ पे हम उतना ही पार्ट बोलेंगे दैट मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। बस आगे ये नहीं हम कहेंगे कि व्हेन बोथ आर एट डी, हमारी इमेज डी पे बनी है, ऑब्जेक्ट डी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज हमारी नीचे बनी है, सो दैट्स व्हाई वी से इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेन ऑब्जेक्ट वी आर सेइंग इट। इसकी ये वाली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं कह रहे हम, हमारी जो ऑब्जेक्ट थी उसके विद रिस्पेक्ट टू इट इज फॉर्मिंग इन्वर्टेड इमेज। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, इट इज वर्चुअल, इट इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेचर लिख लो, नेचर ऑफ फाइनल इमेज वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब ये बीटा क्या है और अल्फा क्या मार्क करते हैं यहाँ पे, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज इज बीटा, तो इमेज हमारी ये है ना फाइनल इमेज, इसको नेम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट बी ए बी एंड लेट अस कॉल इट ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये जो हमारी इमेज है दिस इज फॉर्मिंग एन एंगल बीटा, ठीक है, इमेज का एंगल जो है वो बीटा है और ऑब्जेक्ट का ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो गया। मतलब अगर आप सेम ट्राइंगल में देखो इधर ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल आपका अल्फा है। देखिए अगर एंगल्स क्लियर नहीं है यू कैन आस्क। फाइनल इमेज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बीटा एंगल बनाया बिकॉज बीटा अकॉर्डिंग टू आर डेफिनेशन इज एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रही है ओ के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अल्फा है। तो अगर हम ये वाला इंटीरियर पार्ट देखें, ये दो ट्राइंगल्स है हमारे विद द सेम हाइट, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल अल्फा। एनी डाउट टू एनी वन रिगार्डिंग दीज एंगल्स, क्योंकि अभी हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस पुट टेन बीटा को आप क्या लिखोगे, ए बी ओवर ओ डैश बी, एंड टेन अल्फा को क्या लिखोगे, ए बी ओवर ओ बी। सो लेट अस पुट इन द वैल्यूज, टेन बीटा इज ए बी ओवर ओ डैश बी, टेन अल्फा इज ए बी ओवर ओ बी, ए बी गेट्स कैंसल तो ये आ गया ओ बी ओवर ओ डैश बी, ये आ गया ओ बी ओवर ओ डैश बी। सी इफ दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। फाइन बच्चे, से यस और नो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, आर यू देयर? Yes, ma'am. Thank God. चलिए अब हम वैल्यूज पुट करें। What is OB? ये O है, ये B है. What is OB? We have already marked FO. और क्योंकि ये राइट साइड पे है तो हम इसको प्लस लिखेंगे. And what is O dash B? This is O dash, this is B. O dash B हमने मार्क किया हुआ है. This is UE. क्योंकि ये लेंस की लेफ्ट साइड पे है, we will write minus UE. Let us call this equation number one. अब पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करके 1 ओवर यू ई निकालेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। यहां तक देख लो पहले। सो लेट अस यूज लेंस फॉर्मूला फॉर द आईपीस, ठीक है, लेट अस यूज लेंस फॉर्मूला फॉर द आईपीस। तो 1 ओवर एफ is 1 over v minus 1 over u, यही है ना। तो इसमें अब क्या पुट करेंगे, लेट अस राइट द वैल्यूज फर्स्ट। u को वी विल पुट माइनस यू ई, v को v कितना है हमारा, ये माइनस डी लेफ्ट साइड पे माइनस डी, और फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है आईपीस की प्लस एफ की, सो वी विल पुट दीज वैल्यूज इन लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस।
यू हमारा माइनस यू ई है, वी हमारा माइनस डी है, दोनों लेफ्ट साइड पे हैं और फोकल लेंथ पॉजिटिव है. सो लेट अस पुट इन द वैल्यूज. ये आ गया 1 ओवर एफ ई माइनस 1 ओवर डी माइनस माइनस प्लस 1 ओवर यू ई. ये हो गया ठीक है. वी नीड 1 ओवर यू ई. सो 1 ओवर यू ई इज 1 ओवर एफ ई प्लस 1 ओवर डी. देखो ये स्टेप क्लियर है. हमें 1 ओवर यू ई चाहिए था. वी हैव कैलकुलेटेड दैट 1 ओवर यू ई. So put this 1 over u e here in equation number 1. Put 1 over u e in equation number 1. Let us put it here. Minus or f o अलग से रखो. 1 over u e की value put कर रहे हैं अब हम. That is 1 over f e plus 1 over d. ठीक है. 1 over f e plus 1 over d. टेक आउट एफ ई कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. माइनस एफ ओ ओवर एफ ई वन प्लस एफ ई ओवर डी. देखो ये आ रहा है. अगर आप एफ ई कॉमन लेते हो तो यहां पे तो वन आ जाएगा. एफ ई ऊपर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट यू विल गेट द सेम थिंग. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर magnifying power of astronomical telescope in the first case. So I'll be highlighting the formula now. आप पहले note कर लो यहां तक. So मैं ये रब कर रही हूं. So the magnifying power of astronomical telescope is minus FO over FE 1 plus FE over D. You have to learn this formula by heart. End results to at least हमें learn करने पड़ेंगे numericals के लिए. So we can directly put in this formula and solve. So have a look at the whole derivation. This is first case when final image is formed at D. अभी हम इसका second case करेंगे when the final image is formed at infinity. And उसका हमारा ray diagram भी separate होगा. तो देख लो पहले यहां तक तो कोई डाउट है तो बच्चे से यस और नो समथिंग समझ आ गया नहीं समझ आया या कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ स्पेसिफिकली यू कैन आस्क. ओके तुषार को समझ आ गया. कृष को भी समझ आ गया. व्हाट अबाउट अदर्स. क्लियर है सारे स्टेप्स. प्लीज इसको आज आप देख के लिख मतलब लिख के देखना. डू द रिटन प्रैक्टिस साइड बाय साइड. आज इसको पढ़िए कल लिख कर देखिए. Shall we move on to the next case or you want to ask something? Kare next case. Chaliye. Second case hai when final image is formed at infinity. In this case, the telescope is said to be in normal adjustment. Isko normal adjustment kehte hai. Note kar lo please. Theek hai? Note kariye what is normal adjustment of a telescope. When the final image is formed at infinity, टेलीस्कोप इज सेट टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये मैं लिख रही हूं यहां पे. सेकंड केस है फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट. बिकॉज व्हेन दे विल यूज दिस लैंग्वेज अदरवाइज यू वॉन्ट अंडरस्टैंड. दे विल आस्क व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस केस दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी. ठीक है चलिए रे डायग्राम में मॉडिफिकेशन करते हैं. पहला पार्ट हमारा सेम है. यहां तक सेम है. ये बनाइए ऑब्जेक्टिव लेंस बनाइए. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. इमेज यहां पे बन रही है वो बनाइए. मेरे को भी ये रबी करना पड़ेगा सारा. चलो पहले आप एक लेंस बनाओ. वही इंफिनिटी से रेज आ रही हैं. इमेज इज फॉर्मड एट इट फोकस. ये इसके एफ ओ पे बनी है. ये फोकस हो गया. यहां तक बनाइए. तो दिस डिस्टेंस इज फोकस ऑफ आई ऑब्जेक्टिव. इतना बनाओ पहले.
हो गया. नाउ वी वॉन्ट द फाइनल इमेज टू बी एट इंफिनिटी, तो इसकी ऑब्जेक्ट कहां पे होनी चाहिए, फोकस पे होनी चाहिए. ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे है, दैट मीन्स ये आईपीस के भी फोकस पे होगी, इसके भी फोकस पे होगी, तभी आगे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी ना. तो सी इन दिस केस बोथ द फोकाई आर इंटरसेक्टिंग है, बोथ द फोकाई ऑफ द लेंसेज आर एक्टिंग हियर. इसी पॉइंट पे पहले की इमेज बनी है उसका फोकस है, तो ये आईपीस का भी फोकस है. कॉमा डाल के लिखेंगे हम, दोनों फोकस एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बनाया हमने आईपीस और ओ डैश, ये गई पैरेलल. तो पैरेलल ये इमेज कहां पे बनी हमारी, इंफिनिटी. सो दिस इज एज सिंपल एज वी सी. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी. ठीक है, तो इंफिनिटी फोकस, फोकस इंफिनिटी, ऐसे बन रहा है. देख लो पहले, इज इट क्लियर? चलिए. So this is final image formed at infinity by astronomical telescope and the telescope is said to be normal adjustment. तो मैं ray diagram बता रही थी कि object infinity पे है, objective के focus पे image बनी. ये image eyepiece के लिए object serve करेगी and we will keep the eyepiece in such a way कि ये object उसके भी focus पे है. तो दोनों focus यहीं पे हैं. अब जब focus पे object है तो image कहाँ पे बनेगी, infinity पे. So infinity, focus, focus, infinity. तो हमारी final image infinity पे बनी है. That's why the telescope is in normal adjustment. Now our formula will also get modified. ये देखिए equation number one हमारी थी ना, यहाँ तक तो derivation same है. Equation number one से resume करते हैं. ये मैं यहाँ लिख रही हूँ. Equation number one थी minus FO over UE. This is our equation number one. अब हम जब हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया था ना, उसी में हम पुट करेंगे. नाउ इन दिस केस आर फाइनल इमेज डिस्टेंस इज नॉट डी, हमने वी को माइनस डी पुट किया था ना, ये अब इंफिनिटी है ना. हमारी फाइनल इमेज अब डी पे नहीं बनी, अब इंफिनिटी पे बनी है. तो यहाँ पे वी को इंफिनिटी पुट करेंगे इन दिस लेंस फॉर्मूला. तो वी विल पुट इट इंफिनिटी, वन ओवर इंफिनिटी इज जीरो, तो ये हमारी टर्म वैनिश हो जाएगी. 1 over UE will be equal to 1 over FE. Have a look at this. तो हम lens formula में V को D जो put किया था, we will put there V equal to infinity. 1 over infinity is 0, तो हमारा UE FE के equal आ जाएगा. So put 1 over UE equal to FE here. ठीक है? वहाँ वो देख लो पहले, then we come back here. See lens formula. उसमें देखिए अब. From there we calculate 1 over UE that is equal to 1 over FP simply. वो देख लो. Is this point clear? चलो अब हम यहां पे put करते हैं 1 over UE को क्या put करना है, 1 over FP. So see our formula is very simple now. माइनस FO ओवर FE. सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज वेरी सिंपल, माइनस FO ओवर FE. पहले कितना था, माइनस FO ओवर FE 1 प्लस डी ओवर FE ओवर डी, ये था ना. अब 1 प्लस वाली वो पूरी ब्रैकेट उड़ गई यहाँ पे, ओनली वी आर लेफ्ट विद माइनस FO ओवर FE. वेरी सिंपल फॉर्मूला. एंड यू सी लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो कितना है, यहां तक एफ ओ है और यहां तक एफ पी है. तो लेंथ ऑफ ट्यूब इज ऑल्सो, नाउ यू कैन इजिली रिमेंबर एफ ओ प्लस एफ पी. तो इसके न्यूमेरिकल्स यूजुअली कैसे आते हैं कि लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूब इज दिस मच, मैग्निफिकेशन इज दिस मच, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज. सो यू हैव टू इक्वेजन्स, एक आपकी इक्वेजन आएगी एम इज माइनस एफ ओवर एफ पी, दूसरी आएगी एल इज एफ ओ प्लस एफ ई.
इन दोनों की वैल्यूज पुट करके आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी, वहां का सॉल्व करके आपको एफ ओ और एफ ई कैलकुलेट करने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन आ गए हैं, और आगे जितनी भी टेलीस्कोप्स है, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव देयर फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी टेलीस्कोप एफ ओ ओवर एफ ई ही रहेगा, बस साइन डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, वेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव योर इमेज इज इन्वर्टेड, एंड यस हियर ऑल्सो आर फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारी ऊपर है, हमारी इमेज नीचे बन रही है, इन्वर्टेड है। तो माइनस साइन जस्ट शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम आगे जो टेलीस्कोप्स करेंगे टेरेस्ट्रियल, यू नो इट इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर सेम यही होगी, बस प्लस होगी, बिकॉज दैट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा एफ ओवर एफ ई। मतलब याद रखिए कि टेलीस्कोप का बेसिक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या रहेगा, एफ ओ ओवर एफ। तो बहुत ही इजी है इसको लर्न करना, सो वी कैन यूज डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो हैव अ लुक एट द होल डेरिवेशन वंस, हैव अ लुक एट द रे डायग्राम। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमने ये कंप्लीट कर ली तीन डेरिवेशन। अब हमने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, उनके सिर्फ रे डायग्राम बनाने, डेरिवेशन नहीं करनी, फॉर्मूला यही है एफ ओवर एफ। ठीक है, तो इफ यू हैव डन दिस शैल वी मूव ऑन टू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नाउ। बच्चे से यस और नो, शुड आई वेट फॉर यू टू नोट इट डाउन और शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? ओके, तुषार गॉट इट। व्हाट अबाउट अदर्स? मानसी हो गया ये, कुछ पूछना है आपने? यशिका, समृद्धि, ओके यशिका आपको क्लियर है? मानसी, समृद्धि को क्लियर है? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अ टेलीस्कोप यूज टू सी द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, एंड व्हाट इज द एडवांटेज? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें सीधा दिखेगा कुतुब मीनार, हम उसको इन्वर्टेड नहीं देखना चाहते। जस्ट हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो स्फेरिकल हैं, हम उनको इन्वर्टेड भी देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुतुब मीनार को हम सीधा ही देखना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज यूज्ड। सो हेडिंग दे दो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल terrestrial means earth, related to earth, so used to see the objects on earth। so ye bilkul waise hi hai, basic idea wahi rahega jo astronomical telescope ka tha। the thing is it will be just forming erect image of the object। to usko erect karne ke liye what do? we use a third lens in between eyepiece and objective। एक और एक्स्ट्रा लेंस यूज करेंगे जिसको हम इरेक्टिंग लेंस कहते हैं, फील्ड लेंस कहते हैं। इट्स पर्पस इज ओनली टू इरेक्ट द इमेज, सिर्फ इमेज को सीधा करना है, बाकी सारा लॉजिक सेम है। इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, बाकी सारा लॉजिक सेम है। देखो कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर हैविंग लार्ज लाइट गैदरिंग पावर। एक चीज और, टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या आया? बेसिक एफ ओ ओवर एफ पी। सो टू हैव लार्ज मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, नोट कर लीजिए, एंड आईपीस मस्ट बी ऑफ स्मॉल फोकल। तो इसीलिए टेलीस्कोप के लिए हम हमेशा ये प्रेफर कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। लाइट गैदरिंग पावर ये डिमांड करती है कि उसका डायमीटर लार्ज होना चाहिए,
मैग्नीफाइंग पावर ये डिमांड करती है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज डायमीटर, लार्ज अपर्चर का होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ये हो गया एफ ओ। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां पे बनी? फोकस पर, ठीक है। नो डाउट हम इसको आईपीएस के फोकस पे ही रखना चाहते हैं क्योंकि फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पे ही बनने वाली है, बट उससे पहले इसको सीधा करने के लिए एक और लेंस यूज करेंगे, थर्ड लेंस इन बिटवीन, एज आई एम टेलिंग यू, बिटवीन आईपीएस एंड ऑब्जेक्टिव। दिस लेंस इज कॉल्ड फील्ड लेंस और इरेक्टिंग लेंस। दिस लेंस इज कॉल्ड फील्ड लेंस और इरेक्टिंग लेंस। अब इसको रखेंगे भी ऐसे कि ऑब्जेक्ट के साइज पे भी कोई फर्क ना पड़े, इस पोजीशन में रखेंगे। सो वील कीप इट एट 2F। तो इसके लिए पहली की जो इमेज है ऑब्जेक्ट सर्व करेगी, वी विल कीप इट एट 2F सो दैट सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, बस यहां की बजाय ऊपर बनेगी तो वो फिर इरेक्ट हो जाएगी, जो इन्वर्टेड थी हमारी इमेज वो अब बस इरेक्ट हो जाएगी। सो वील कीप इट हियर, बनाइए इसको। तो सेम साइज की इमेज, बस वो यहां थी अब ऊपर हो जाएगी, इसके 2F पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। नाउ वी विल कीप द आईपीस सच दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एट इट फोकस। अब आगे तो क्योंकि इंफिनिटी पे चाहिए तो फोकस पे ही रखना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। सो नाउ वी कीप आईपीस, दिस इज आईपीस। इंफिनिटी पे बन गई, ठीक है, ये बन गई। सो दिस इज द इमेज, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इट इज इरेक्ट। ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी हमारी इधर ही बनी, सो इट इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंसेस मार्क करते हैं, ये तो इंफिनिटी था, यहां तक एफ ओ है, दिस इज 2F, दिस इज 2F एंड दिस इज एफ ई। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रो, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दिस केस, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये लेंथ किसके इक्वल है, कौन बताएगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, ये पूरा देख लो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, कौन बताएगा? ये रही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, इज एफ ओ प्लस 4F प्लस एफ ई। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज एफ ओ प्लस 4F प्लस एफ ई, और मैग्नीफाइंग पावर इसकी कितनी है? प्लस एफ ओ ओवर एफ ई, क्योंकि इमेज इज इन इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर लिख लो प्लस एफ ओवर एफ ई, और लेंथ ऑफ ट्यूब ये रही आपके सामने। तो हमारी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी ओवर हो गई है, ठीक है। कल हम करेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप, तो कोई डाउट है तो पूछ लो।